Hey friends, welcome to Pritha's Pachmeshali. Today I'm going to show you how to make chicken chaap and basunti pulao. This chicken chaap is a Mughal dish, Mughlai dish. But मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल में ये बहुत चलता है. मीन्स मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, बंगाली. सो बंगाली में तो ये चिकन चाप एंड बासुंती पुलाव इज़ वेरी फेमस डिश. सो आज थोड़ा ट्राई किया जाए, देखिए कैसे बनता है चिकन चाप एंड बासुंती पुलाव. ये जो चिकन चाप है ये बासुंती पुलाव आप कौन सा भी पुलाव के साथ खा सकते हैं, एंड आप नान या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं. वेरी वेरी नाइस डिश, प्लीज़ ट्राई इट. सो चलिए बनाते हैं बासुंती पुलाव एंड चिकन चाप. सो शुरू में ही चिकन में मिक्स करने के लिए हमें कुछ मसाला बनाना है. सो मैं पहले मसाला बना लेती हूँ. सो इसमें मैं लिया है 1.5 ऑनियन, अराउंड 8 to 10 गार्लिक क्लोव्स एंड 2 inches ऑफ जिंजर. सो ये मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ. उसके साथ मैंने लिया है 2 ग्रीन चिलीज एंड लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स. सो ये डालने के बाद इसके साथ ही मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कैशू नट्स, 1.5 टेबलस्पून ऑफ मेलन सीड्स चारम गॉज, एंड फ्यू यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है, जैसे इलायची, छोटी इलायची 4-5 लौंग, एंड एक थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एंड ये है जायत्री का फूल. सो ये पूरा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर. अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मुझे ब्लेंड करना है. उसके बाद हमें इसको चिकन के साथ मिक्स करना है. ये हमारा मसाला का पेस्ट रेडी है. सो इसे मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया. इसी कढ़ाई में मैं ये चिकन को मैरिनेट करूँगी एंड इसी कढ़ाई में मैं चिकन को बनाऊँगी. सो मसाले के साथ मैंने एडिशनल 4 ग्रीन चिली ऐड किया है, 2 तेज पत्ता ऐड किया है, 1 टेबल स्पून बिरयानी पाउडर एंड 1 टीस्पून चिली ऐड किया है. एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनदर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. एंड ये जो है ये एक स्पेशल गरम मसाला है, ये मेनली कोलकाता के लोग ही यूज़ करते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ऐड 2 फुल टेबल स्पून ऑफ योगर्ट. देन और क्या बाकी रह जाता है? बाकी रह जाता है हमारा नमक. सो नमक मैं थोड़ी देर बाद मिक्स करूँगी, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. ये दही को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक. तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ. यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कैशू नट्स एंड थोड़ा सा रेजिन्स, ये भी ऐड कर लिया. अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी, जो इस डिश में बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई एम एडिंग हियर 2 टेबलस्पून ऑफ घी. ओके, एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 1 ड्रॉप ऑफ केवड़ा वाटर, व्हिच वन वी आर यूजिंग फॉर बिरयानी, एंड 1 ड्रॉप ऑफ रोज एसेंस. एक्चुअली दिस चिकन चाप इज 1 मुगलाई डिश, एंड फॉर मुगलाई डिश पीपल आर यूजिंग दिस केवड़ा वाटर. दैट विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड वेरी डिफरेंट फ्लेवर. सो नाउ दिस मिक्सचर इज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड चिकन इन दिस. आई हैव कट द चिकन इन बिग पीसेस, यू कैन सी. सो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेरी वेल एंड देन
I'll cover it and put it in the fridge. So I'll keep it overnight. पूरा रात रखने के बाद ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा. देन टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू कुक इट. सो कुछ नहीं करना, ऐसे ही बिठाना है गैस के ऊपर, सीम गैस पे ये पकता रहेगा. सो दिस इज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फ्रिज. हाय, आई एम बैक. सो चलिए देखते हैं चिकन का क्या हाल है. सो ये है हमारा चिकन, बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गया इसका. अभी हम एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे एंड आई एम गोइंग टू मिक्स वन मोर टेबलस्पून ऑफ घी. बस इतना घी एनफ होगा और हमको कुछ ऑयल या घी नहीं लगेगा. इसे थोड़ा मिक्स करके हम इसे बिठा देंगे चूल्हे में, गैस के ऊपर. सो ये मैं बिठा दिया गैस के ऊपर और हमें शुरू में 5 मिनट गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है ऐसे, और उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स गैस को सिम कर देना है. तो ये अभी होता रहेगा. इट विल टेक मिनिमम हाफ एन आवर बिकॉज पीसेस जो है चिकन का वो काफ़ी बड़ा है एंड ये स्लो कुकिंग करना चाहिए इसे, तो इसका फ्लेवर धीरे धीरे आता रहेगा. जब तक वो चिकन कुक होता है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है पुलाव. दिस इज़ वेरी इजीएस्ट प्रोसेस टू मेक पुलाव. सो पहले उसका तैयारी कर लेते हैं. ये हमारे पास है 1.5 ग्लास राइस. इसे मैंने राइस को बहुत अच्छे से वॉश करके इसे ड्राई कर लिया है. अभी इसके साथ मैं ऐड करने जा रही हूँ इलायची है यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 लौंग है, थोड़ा सा दालचीनी है, 4 ग्रीन चिली है, 4 तेज पत्ता है और ये ग्रेट किया हुआ जिंजर है. सो इस सारे चीज़ों को मैं इसमें मिला दूँगी. उसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ घी, 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर. ये पुलाव थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है. जो हमारा चिकन चाप बन रहा है उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है. 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर. ये टर्मरिक पाउडर इसलिए है कि ये जो पुलाव है इसका कलर होता है येल्लो एंड आप अगर इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड, बट मैं कलर नहीं यूज़ करती तो मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर लेती हूँ. तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इसे मैं अभी ऐसे ही कवर करके 1/2 आवर के लिए छोड़ दूंगी. यू कैन कीप मोर ऑल्सो, 1/2 आवर to 1 आवर वी नीड टू लीव द राइस. ऐसे ही हमको छोड़ना है 1/2 घंटे से 1 घंटे तक. तो मैं इसे 1/2 घंटे तक छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी. तब तक मेरा चिकन भी 5 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पे, तो अब हम इसे गैस को सिम कर देंगे. फिर कवर को थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है. सो धीरे से इसे थोड़ा सा मिक्स करके स्लो फ्लेम पे इसे हम छोड़ देंगे. एकदम जितना मिनिमम हो सके आप कर दीजिए एंड कवर इट. आधा घंटा हो गया है राइस को रख के, यहाँ पे चिकन कुक हो रहा है तो हम लोग अभी राइस भी बना लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये मैंने कढ़ाई रख दिया गैस के ऊपर. अभी मैं कढ़ाई में डालूंगी टू टू थ्री टेबलस्पून ऑफ घी.
गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कैशू नट्स। कैशू नट को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। कैशू नट का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उस टाइम पे हम ऐड कर देंगे ये राइस। अभी राइस को भी हमें फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। साइड में मैंने 3 ग्लास पानी गरम करके रखती हूँ। जितना राइस लेना है उसका एग्जैक्ट डबल पानी लेना पड़ेगा। तो मैंने 1.5 ग्लास राइस लिया था, इसके लिए मैं 3 ग्लास पानी गरम करके रखती हूँ। इसे थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है। दो तीन मिनट तक फ्राई करेंगे तो चलेगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेजिन्स। बहुत अच्छा खुशबू आना है आ रहा है। सो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। सो इसमें मैंने 3 ग्लास पानी गरम करके रखा है। I'm adding it now. Then mix it. अभी गैस फुल ही रहेगा, फुल फ्लेम पे, जब तक ना ये पानी बॉईल होना शुरू हो जाए। ये पानी में बॉईल आ गया है, बट अभी हम इसे कवर नहीं करेंगे। जैसे ही राइस फूलना शुरू हो जाएगा और ये पानी का लेवल और राइस सेम लेवल पे आ जाएगा, उसी टाइम पे हम इसे कवर करेंगे और गैस सिम कर देंगे। आप देख रहे हैं ये राइस का कलर जो है स्लाइटली येल्लो आया है। ये जो बासुंती है, बासुंती मीन्स येल्लो, येल्लो कलर। सो इस पुलाव में हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक या थोड़ा सा येल्लो पाउडर डालते हैं और इसका कलर येल्लो आता है। सो इसीलिए इसका, इस पुलाव का नाम है बासुंती पुलाव। नाउ यू कैन सी ये जो राइस है, राइस एंड जो पानी है इसका लेवल सेम हो गया है। सो एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू चेक द सॉल्ट एंड शुगर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, आप भी चेक कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू कवर इट। सो अभी पानी और राइस का लेवल एग्जैक्टली सेम हो गया। सो मैं गैस को अभी सिम कर रही हूँ एंड मैं इसे कवर कर दिया एंड आई विल कुक इट फॉर 10 मिनट्स। द राइस इज रेडी नाउ। नाइसली डन एंड द चिकन इज ऑल्सो रेडी। यस द चिकन इज ऑल्सो रेडी। So now it's ready to serve. Our chicken chop and basunti pulao is ready to serve now. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe my channel. And do not forget to press the notification bell so that you can get more interesting videos like this. Thank you.